नमस्कार, मैं हूँ स्वाति रायना और न्यूज 360 की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना लग सकता है। ट्राई ने दूरसंचार मंत्रालय को दरअसल चिट्ठी लिखी है और तीन बड़ी कंपनियों पर 50 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है, जिनमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये तीन दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। तो टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना लग सकता है और ट्राई ने इसके तहत दूरसंचार मंत्रालय को एक चिट्ठी भी लिखी है। तीन बड़ी कंपनियों पर 50 करोड़ रुपए जुर्माना, यानी एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर जुर्माना के लिए चिट्ठी लिखी है। दरअसल कॉल ड्रॉप पर यह जुर्माना लगाने के लिए चिट्ठी लिखी गई है। हम आपको बताएं, तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम बैठकों के बावजूद, अब तक ग्राहकों को कॉल ड्रॉप से कोई निजात नहीं मिल रही है, जिसके तहत अब कॉल ड्रॉप पर ट्राई ने DOT को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें तीन बड़ी कंपनियों पर जुर्माना लगाने की बात लिखी गई है, जिसमें वोडाफोन और आइडिया शामिल हैं। यह मामला कोई अभी का नहीं है, काफी समय से मामला चल रहा है कॉल ड्रॉप को लेकर। बहुत शुरुआत से ही काफी कंप्लेंट्स आ रही हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई पुख्ता समाधान नहीं निकल पाया है। अब ट्राई ने और कदम एक आगे आकर दूरसंचार मंत्रालय को एक चिट्ठी लिख दी है, जिसमें कहा है कि इन तीन बड़ी कंपनियां, इन तीनों पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाए, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, तीन लीडिंग कंपनी है, ये तीन लीडिंग टेलीकॉम कंपनियां हैं जिनके कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। और सभी लोगों की ये शिकायत है कि सेवाएं देने के बावजूद कॉल ड्रॉप पर कोई ज्यादा रियायत नहीं मिली है। मेरे सहयोगी असीम सर इस पर और अपडेट लेते हैं। असीम, क्या लिखा है ट्राई ने इस चिट्ठी में? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि रिलायंस जियो ने ये शिकायत की थी टेलीकॉम अथॉरिटी TRAI से कि क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है खराब हो रही है, जो इनकमबेंट टेलीकॉम कंपनी है वो पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन जो है वो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से उसके नेटवर्क पे रोजाना 8 करोड़ तक की कॉल ड्रॉप, 8 करोड़ कॉल ड्रॉप जो है वो लगातार हो रही है। तो उसके ऊपर ट्राई ने जो है दूरसंचार विभाग को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इन टेलीकॉम कंपनियों पर जो है एक्शन लिया जाए, क्योंकि इससे क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है खराब हुई है। लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक जो है आप इनके ऊपर एक्शन लीजिए। लाइसेंस में प्रावधान है कि किसी भी कंपनी की अगर कोई भी वायलेशन करती है तो उसके ऊपर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना जो है वो सरकार लगा सकती है। और ये ट्राई ने कहा कि पर सर्किल ये जुर्माना जो है वो लगाया जाना चाहिए। तो यानी कि 22 टेलीकॉम सर्किल के हिसाब से अगर जुर्माना ये लगता है तो करीबन 2100 करोड़ रुपए के आसपास का जुर्माना जो है टेलीकॉम कंपनियों पर लगेगा, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है वो मेंटेन जो है वो नहीं की है जी। और इसके बाद अब ये जब चिट्ठी लिख दी गई है, इस पर कब तक एक्शन लिया जा सकता है या इस पर सुनवाई होगी? देखिए, ये दूरसंचार विभाग को रिकमेंडेशन जो है वो भेजी गई है कि आप इनके ऊपर एक्शन कार्रवाई जो है वो कीजिए लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक। तो दूरसंचार विभाग अभी कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी करेगा टेलीकॉम कंपनियों को, और कंपनियां जो है वो अगर अपना कारण रखती हैं कि हमें एडिक्वेट टाइम जो है वो नहीं मिला, या जो भी कंपनियां अपनी दलील देती हैं कि जब भी उन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट मांगे तो हमने उनको पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट जो है वो दे दिए, तो वो दूरसंचार विभाग उनके जवाब के बाद तय करेगा कि क्या टेलीकॉम कंपनियों पर पेनल्टी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। तो ये दूरसंचार विभाग अब इसके ऊपर आने वाले दिनों में ये तय करेगा कि क्या पेनल्टी लग सकती है इन टेलीकॉम कंपनियों पर या नहीं लग सकती। बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए आपका।